एक बार की बात है, वृंदावन का एक भक्त अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जप रहा था। अयोध्या का एक भक्त वहां से गुजरा तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण सुनकर उस भक्त को बोला, अरे जप नहीं है तो सीता राम जपो, उस टेढ़े का नाम क्यों जपते हो। वृंदावन का भक्त भड़क कर बोला, जरा जबान संभाल कर बात करो, तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला। अयोध्या वाला भक्त बोला, इसमें गलत क्या है, तुम्हारे कन्हैया तो है ही टेढ़े, कुछ भी लिख कर देख लो, उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन। वृंदावन वाला भक्त बोला, चलो मान लिया, पर उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़ा है, ये तुम कैसे कह रहे हो। अयोध्या वाला भक्त बोला, अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा, तो सुनो, यमुना में नहाती गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों के काम हैं? और बता, आज तक किसी ने उसे सीधे खड़े देखा है कभी। वृंदावन के भक्त को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और सीधे जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर। अपना डंडा डोरिया पटक कर बोला, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया लाला तुमने, ये लो अपनी लकुटी कर मरिया। और पटक कर बोला, ये अपनी सोटी भी संभालो, हम तो चले अयोध्या राम जी की शरण में। और सब पटक कर भक्त चल दिया। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। भक्त की बांह पकड़ कर बोले, अरे भाई तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। पर भक्त नहीं माना तो बोले, अच्छा जाना है तो तेरी मर्जी, पर यह तो बता, राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे। यह कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला भक्त गुस्से में अयोध्या वाले भक्त से हुई बेइज्जती की सारी भड़ास निकाल दी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपके से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर भक्त से बोले, अच्छा चले जाना, पर जरा मदद तो कर जा, तनिक एक सरिया ला दे तो मैं अपनी बाल्टी निकाल लूं। भक्त सरिया ला देता है और श्री कृष्ण सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। भक्त बोला, इतनी अक्ल नहीं है क्या इस सीधे सरिये से, भला बाल्टी कैसे निकलेगी, सरिये को तनिक टेढ़ा करो फिर देख कैसे एक बार में बाल्टी निकल आएगी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधेपन से इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल पा रहा तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगाऊंगा। अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि इससे निकाल पाना मेरे जैसे टेढ़े के ही बस की बात है। जय श्री कृष्ण।